गाइस मैं हूँ बीस्ट बाइकर यूके ग्यारह और मेरे साथ है जय किशन मारिया और आज हम जा रहे हैं संडे राइड में कड़परा की ओर। चांदपुरगढ़ एक किला का नाम है, हम उस किले को देखने जा रहे हैं आज। वही हमें सौरभ राणा भी मिल जाएगा। तो हमने चमोली पार कर दिया। मैं और जय किशन है अभी कच्ची रोड में। ये मलबा यहाँ ऊपर से आया पूरा टूट के, ये पीछे अंदर को पता है जय किशन निकाल देगा क्योंकि रोड राइडर बन चुका है अब। अतुल को फोन कर लेता हूँ मैं। क्या रहा होटल अतुल का? अरे मिलते हैं उससे। और भाई कैसा है? तो गाइस हम है अभी अतुल के यहाँ पे कड़परा जा रहे ना, थोड़ा मैर मैर काम कर लेते हैं। तो ये वाले दिया घर पे है ना, फोन लेकर दुकान में आया, जूते से गिराया ना, इसी समय गिरा है तूने भाई? दिले में ऊपर गिरे नहीं है वहाँ पे, गए ऐसे पैर नीचे तक जमीन धस के जूते फिसल रहे हैं, ऐसे डर लग रहा है ऐसे जमीन पर। कड़परा में हमें मिल गया सौरभ, गाइड हो चुका है हमारे साथ। सौरभ तुम तो पूरा जैकेट जुकेट गार्ड गुड़ सब पहन के आ रखा। मैं इसको क्या सब क्या मैंने बोला तुझे भोजन हो गया? नहीं भाई यार अभी चलो मैं बैठ गया हूँ सौरभ राणा के साथ। अब देखे सर सोलो राइड पे क्या खा रहे हो? चांदपुर गरीब, चांदपुर गरीब। अच्छा आप कौन सा कैमरा ले रहा है? कैमरा मेरा गरीब है। अच्छा हमारा डॉक्टर जय किशन, दिक्कत हो रही कोई? हमारे डॉक्टर कल प्रयाग में काफी भीड़ है, ऐसे नहीं है क्या? जाम बहुत लग रहा है। गुप्त राइस हम निकल रहे हैं कल प्रयाग में। यहाँ से कितने दूर है वो किला? यहाँ से होगा 18-20 किलोमीटर। मतलब मस्त है, धूप होगी ना? तो भाई हम रुके हैं थोड़ा यहाँ पे पीछे बैठ बैठ के, हो गया दर्द तेरे को भी हो रहा दर्द थोड़ा? कितना नाक दिख रहा है इसमें। तो गाइस आ गए हम चांदपुर में, चांदपुर गढ़ी। अब यहाँ से जाएंगे सीधा पैदल ऊपर, ये वाला रास्ते से ऊपर। गढ़ का मतलब नहीं पता? राजा क्या है, कनक पाल का प्राचीन किला, और हम जा रहे हैं यही। क्या नाम है यहाँ पे? चांदपुर दुर्ग। यहाँ राजा कनक पाल का किला है ये लिखा है, उसके बारे में जो भी लिखा है आप पढ़ लेना। मिल गया हमें, तो हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया है। आगे से हमारा सौरभ, सही पीछे डॉक्टर। पहुंच गए किले के आसपास। ये है किला, मतलब सरकार द्वारा इसका संरक्षण नहीं हुआ तो ये अब ऐसी हालत हो गया है। किले में पेड़ क्या कर रहा था ना? तो बात के किले हैं ये, बात के लिए कुआं नहाने के लिए बात होगा राजा यहाँ। अजय अजय पाल कनक पाल, हाँ कनक पाल का किला। देखिए आज हम कहाँ पहुँचे हैं सीधा, ये पासा है मतलब देखा महाभारत में, महाभारत में ये, हाँ वही मेरे को वही लगा था ये पासा जो शकुनी मामा वाला है ना, ये यहाँ पे लिखा है। तो डिटेल खिड़की देखना, उस टाइम में खिड़की छोटी होकर यहाँ पे मूर्ति भी बनी है। यहाँ घूमने के लिए बहुत जगह है उत्तराखंड में। आज का एक वो नहीं चल रहा की सौरभ जोशी की वजह से उत्तराखंड फेमस हुआ। हमारे साथ एक सौरभ है यहाँ पे, मगर ये जोशी नहीं है, ये राणा है। भाई ये देखना भाई कहाँ तक है, मैं कितना बड़ा अकेला राजा था, कितना बड़े जगह पे रहता अकेला। रानी नहीं होते, मंत्री होंगे उसके, इतने बड़े पहाड़ पे अकेला रहता था। छत तो है ही नहीं, वो कैसे रहते? टूट गए इतने छोटे छोटे कमरे, बैठने का हुआ। ये राजा जी के टाइम के पत्थरों के औजार टाइप के भगवान जी की मूर्ति है। तुम लोग कह रहे इन पत्थरों में कुछ लिखा है, कहाँ लिखा है यार? ये वो है क्या बोलते हैं उसको, कौन से भगवान है? भगवान नहीं हो तब
एलियन, एलियन के चित्र बन गया। एलियन के चित्र थोड़े होंगे यार, क्या उस समय एलियन आया है? तुम कह रहे हैं पत्थरों में कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, पत्थरों को तराशा बहुत। ये पूरा प्योर पत्थर है नहीं? कछुआ और लिखा रहा होगा, मतलब मिट गया है ना, घिस गया है ना, कोड भाषा उनकी। कोड मतलब देख रहे क्या है कोड में, कुछ पता भी ना करा तो तभी तो कोड बोलते हैं उसको, पता होता हमें कोड। हाँ यार ये देख रहा भाई, पत्थर ही है नहीं भाई, जिस तरह को तराशा है ना भाई, कैसे तराशा है टूटी। अरे ये खिड़की नहीं होगी नहीं, तोप है वो बंदूक, तोप तीर धनुष नहीं होता। हाँ ये तो पता नहीं कितना बड़ा महल का होगा। हाँ। ये तो हमें यहाँ थोड़ा टूटा हुआ लग रहा है, टूटा है मतलब उस समय तोप, तोप के लिए है। मैं आइडिया लगा, अच्छा आइडिया मतलब ये सुरक्षा दीवार नहीं होगी ये देखने का, इसके पीछे है क्या, इसके पीछे बाउंड्री है ना, एक बाउंड्री है ना इसमें, या तो वो रहा होगा पत्थर, वो देखा था ना बाहुबली। हाँ। उसे जब खींचते पत्थर गिरता है, ऐसे पत्थर गिरने का नहीं नीचे है। ये सीढ़िया, ये चबूतरा, एक चबूतरा वहाँ पे है और एक चबूतरा यहाँ पे है बड़ा, इसके पीछे भी है, मैं आपको सब जगह दिखाऊंगा। ये पीछे देखो, यहाँ पीछे ऐसा है, एक कमरा, दो कमरा, तीन चार पाँच छः, यहाँ पे काफी बड़ा है। राजा का उस टाइम के महल ऐसे हुआ करते थे, मतलब उत्तराखंड। चमोली जिले में ये चीज भी देख लिया आपने आज? क्या चमोली जिले में ये चीज भी आपको पता लगा आज? चमोली मेरे को तो पता भी नहीं था कि चमोली में ऐसे ऐसी चीज है। चमोली में बहुत बड़ा है यार, पूरा उत्तराखंड घूमने के लिए है। अभी हमें पता नहीं है, जाएंगे टाइम आने पे घूमेंगे, दिखाएंगे आपको। आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे आपको अपने चमोली में। अब हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं चांदपुर, क्या नाम है आपका? चांदपुर गढ़ी। तो हम गाइस चांदपुर गढ़ी से चलना शुरू कर रहे हैं। यह जय किसान, अब वो सौरभ वहाँ आगे पे है, वापस आएगा अभी। तो हम यहाँ चलेंगे, आपको मिलेंगे कड़पराग में।